आप मैजिक्स को अपने शैम्पू में यूज कर डैंड्रफ को सिर्फ 4 वॉश के अंदर भगा सकते हैं। दिस इज अमेजिंग एंड यू कैन ऑर्डर इट वेरी कंफर्टेबली क्योंकि मैजिक्स आपके बालों की संजीवनी है। सूरत हवे क्राइम सिटी बनी रही छे अने गुनेगारो बेफाम बन्या छे त्यारे गत रोज राते सूरतना 8 વિસ્તારમાં गैंग वॉर जेवी परिस्थिति सर्जाई हती। एक साथे 5થી વધુ યુવકો લાકડાના ફટકા સાથે ચા પીવા ગયેલ યુવક પાસે ધસી જઈ માર માર્યો હતો। જો કે કોઈકે 100 નંબર પર ફોન કરી દેતા આ યુવકો જે તે સમયે ત્યાંથી નાસી છૂટ્યા હતા। જો કે ફરી રાત્રે 12 વાગ્યા તાહી નામનો યુવક ખ્વાજાદાના દરગાહ પાસે મિત્રો સાથે બેઠો હતો। દરમિયાન ફરીથી આ યુવકો આવ્યા હતા અને તેને ધમકાવા લાગ્યા હતા, જેમાં રઝા હુસેની નામનો યુવક વચ્ચે પડતા યુવકના ટોળાએ તેના પર ચપ્પુ હુલાવી દેતા આ 19 વર્ષીય યુવકનું મોત નિપજ્યું હતું। આ હત્યા પૈસાની લેતી દેતીમાં કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે। ત્યારે રાત્રે મારામારીના ચોંકાવનારા વિડીયો પણ સામે આવ્યા છે। ત્યારે યુવકની હત્યા થતાં વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે। ઘટના બાદ પોલીસે સીસીટીવીના આધારે આરોપી યુવકને ઝડપી પાડ્યા છે। આવેલ સગરામપુરામાં 17 વર્ષીય સગીરની હત્યા થતાં ચકચાર મચી છે। આ કિશોર મિત્ર સાથે બહાર ગયો હતો, દરમિયાન તેના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો। રૂપિયાની લેતી દેતીમાં યુવક મિત્ર સાથે ગયો હતો, દરમિયાન યુવકની ઘાતકી હત્યારો વડે હત્યા કરી નાખવામાં આવી હતી। ત્યારે ઘટના બાદ પોલીસે 3 આરોપી યુવકની ધરપકડ કરી લીધી છે, તેમજ 1 આરોપીની સામાન્ય ઈજા થતા તેને હોસ્પિટલ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે હજી 2 આરોપી પકડવાના બાકી છે। मोहम्मद सोहेल, क्या हुआ था? मतलब इसमें ऐसा हुआ है, मेरा भाई गया था अपने, मेरा भाई खाने बैठा था घर, तो खाते खाते उसका कोई दोस्त सर बुलाने आया, बोले चल बैठ अपने हाथ पे, यूँ करके स्कूल लेके चला गया। तो मम्मी ने पूछा भी बोले कहाँ जा रहा है, तो बोले मैं यहाँ जा रहा हूँ थोड़ा दोस्तों के साथ। तो ये मगजमारी हो गई खाड़ी के पास, तो वो खाड़ी के बाद मगजमारी में वो नहीं था, फिर बाद में वो हुई खाजा साहब तरफ मगजमारी, तो वो वहाँ पर मगजमारी में उसको डायरेक्ट हमला डायरेक्ट चालू कर दिया, घाव वाव सब मार दिया उसको। किस बात पे बवाल हुआ था? मतलब ये मसला ऐसा था उसमें, वो पैसे कुछ मेरे भाई के दोस्त सर के पैसे लेने के थे, तो वो पैसे के ऊपर से लोगों ने डायरेक्ट सामने वाले ने हमला चालू कर दिया। कौन था सामने वाला, सब कुछ पता? सामने वाले का अपने को नाम तो नहीं खबर है, बाकी का है अभी पुलिस स्टेशन में हाजिर है। ओके, परिवार में कौन है, क्या क्या करता है? करता है भाई खाली ये डेकोरेशन का काम करता था ना, एक छोटा भाई है बराबर, इसमें ऐसा है। तो फिर बाद में मम्मी है, पप्पा है, पप्पा आरी भरत का काम करते हैं। 8वां पुलिस स्टेशन में एक ताहिर नाम का लड़का है जो मोमन वार्ड में रहता है, उसको 30,000 रुपये देने थे एक खालिद नाम के लड़के को। तो पहले इनकी बात हुई थी तो वो 30,000 रुपये की गारंटी एक मुस्तकिन नाम का लड़का है उसने ले ली कि 30,000 रुपये मैं दे दूंगा। तो खालिद अपने कुछ दोस्तों के साथ में आया गई काल और उसने मुस्तकिन का मोबाइल ले लिया। तो मुस्तकिन ने कॉल करके ताहिर, जिसको एक्चुअल में पैसे देने थे, और उसका एक भांजा है ओएस करके नाम का, उसको रज्जा हुसैनी और फैसल, इन सबको फ़ोन करके बुलाया कि उसने मेरा मोबाइल ले लिया है और तुम लोग फटाफट आओ। तो ये लोग टिमलिया वार्ड के पास में इकट्ठे हुए सगरामपुरा में, और वहाँ खालिद जो है वो कुछ लड़कों के साथ में आया हुआ था। तो वहाँ इनकी बहस हुई 11 बजे के आसपास की, तब किसी नागरिक ने 100 नंबर पे फ़ोन किया और वहाँ पे PCR गई, तो ये लोग डिस्पर्स हो गए, वहाँ से चले गए। उसके बाद में दोबारा से रात को 12:30 के आसपास ख्वाजादाना दरगाह के पास में अशरफ पिंजारी, ये अंबानगर लिम्बायत का रहने वाला है, आसिफ दगड़ू, शब्बीर हुसैन मोमिन, ये उमरवाड़ा सलाबतपुरा का रहने वाला है, सहेबाज लिम्बा हुसैन शेख, ये उमरवाड़ा का रहने वाला है, सोएब उर्फे कहवो अंसारी, ये भी उमरवाड़ा का रहने वाला है सलाबतपुरा का, और खालिद पन्नी, ये मोमनवाड़ा 8वां का रहने वाला है, एक बिलाल, ये भी मोमनवाड़ा 8वां का रहने वाला है, अजमुद्दीन वेला, ये भी उमरवाड़ा सलाबतपुरा का रहने वाला है। तो ये लोग वहाँ पे खड़े थे और उसी बात को लेके इनमें दोबारा बहस हुई, और उसमें ये अशरफ पिंजारी है, इसके हाथ में चाकू था और इसने जो मृतक है रज्जा हुसैनी, उसको चाकू से 2 इंजरी हुई
और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान रज्जा हुसैन, ये 19 साल का लड़का है, इसकी डेथ हो गई। और इसको फैसल, जब इसके चाकू लगा तो फैसल और इसके दोस्त साथ में थे, तो फैसल किसी नागरिक की बाइक यूज करके इसको आशुतोष हॉस्पिटल लेके गया टिमलिया वार्ड में, जहाँ ट्रीटमेंट के दौरान इसकी डेथ हो गई। और जो आरोपी हैं उनमें से एक आरोपी है अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको हल्की इंजरी लगी है, तो वहाँ पे पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया है। और तीन आरोपी इनमें से अभी पकड़ने बाकी हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी का कोई गुनाहित इतिहास ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई गुनाहित इतिहास या कोई गैंग इस तरह का नहीं मिला है। हम लोग उस एंगल पर तपास कर रहे हैं कि इतने लड़के एक साथ आए हैं तो कोई गैंग या कोई गुनाहित इतिहास होगा, तो वो चेक कर रहे हैं, अगर होगा तो उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। सर, दो आरोपी की मारामारी हुई थी और एक कोई फिलहाल सामने वाला दाखिल है हॉस्पिटल में, क्या स्थिति है उसकी? अभी स्टेबल है, आईओ को भेजा है, अगर वो स्टेटमेंट देने के लिए फिट होगा तो पहले स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद में, अभी तो वो अक्यूज है इस केस में, मर्डर के केस में, तो उसको अरेस्ट किया जाएगा।